हाय फ्रेंड्स, एकेटीव 14-15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ टास्क आर शेड्यूलिंग यूजिंग रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम। तो हमें चेक करना है कि ये जो सेट ऑफ टास्क है वो रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम से शेड्यूलेबल होगा कि नहीं होगा। मीन्स बिना बिना कोई डेडलाइन मिस किए क्या इसको हम सक्सेसफुली शेड्यूल कर सकते हैं कि नहीं रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम से। इसका एक तरीका तो ये है कि हम गैंट चार्ट बनाएं और पूरा इसको सॉल्व करें, बट बहुत वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वैसे शेड्यूल करना है तब तो करना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे वो नहीं पूछा, बस पूछा है कि शेड्यूल कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, वो पहले चेक कर लेंगे। ये क्या है कि टोटल जो यूटिलाइजेशन है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n ई आई डिवाइड बाई पी आई, ये लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे टास्क है, ये इसका फेज है, एग्जीक्यूशन टाइम है, पीरियड है एंड डेडलाइन है। तो एग्जीक्यूशन बाई पीरियड हमें फाइंड करना है। इसका सम लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 25 डिवाइड बाई 150 प्लस 7/40, 10/60 प्लस 10/30। यहाँ पे 25 बाई ये अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.84 आता है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नेसेसरी जो कंडीशन, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम ये कन्फर्म ये बोल सकते हैं कि ये शेड्यूल नहीं होगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो। बट अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी शेड्यूलेबल है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये है कि नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये कह नहीं सकते कि ये रेट मोनोटोनिक से शेड्यूल होगा कि नहीं होगा। बट अगर ये सपोज 1.1 होता, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो हम ये यहाँ पे ये कंफर्म बोल सकते थे कि ये आरएम शेड्यूलेबल नहीं होगा। ठीक, तो जबकि ये नेसेसरी कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके बाद हम सफिशियंट कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम यहीं पे बोल देते कि हाँ ये आरएम शेड्यूलेबल नहीं है, लेकिन सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे हम सफिशियंट कंडीशन चेक करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टोटल यूटिलाइजेशन होता है वो लेस देन और इक्वल टू एन टू द पावर 1/n-1। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 0.84 आ रहा है। इसको जब हम फाइंड करेंगे, n की वैल्यू सिर्फ हमें 4 पुट करनी है, तो 4 टू द पावर 1/4-1 जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो वो 0.75 समथिंग आएगा, जिसको हम 0.76 ले ले रहे हैं। यहाँ पे 0.76, यहाँ पे क्या है कि 0.84 0.76 से छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक, सफिशियंट कंडीशन इसका उल्टा होता है। सफिशियंट कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सफिशियंट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कंफर्म करके बोल सकते हैं कि हाँ ये शेड्यूलेबल होगा। बट अगर सफिशियंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल इसके उल्टा। ये क्या है कि अगर ये नहीं कर रहा है तो वो नहीं होगा, अगर ये कर रहा है तो ये होगा। बट अगर ये कर रहा है तो पता नहीं, अगर ये नहीं कर रहा है तो इसमें पता नहीं। बिल्कुल इस तरीके से कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे तो नेसेसरी में ये कर रहा था तो हमें पता नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा। सफिशियंट में क्या है कि नहीं कर रहा है, फिर से हमें पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। इसके लिए एक और टेस्ट है, उसको हमें करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये आरएम शेड्यूलेबल है कि नहीं है। बट हम सीक्वेंस नहीं चलेंगे, पहले नेसेसरी करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि नहीं है। अगर यहाँ मिलता है और यहाँ भी मिल जाता है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कह देंगे कि है, बट यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो एक और टेस्ट है, उसको हम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीरियड में इसको हम अरेंज कर लेंगे। तो सबसे सबसे कम है पीरियड ये 30, तो पहले T4 लिख ले रहे हैं।
इसके बाद है T2, 47, 40, 40। इसके बाद है T3, 60, 10, 60, 50, फिर लास्ट में T1। ये जो टेस्ट है, बेसिकली इसमें हम क्या फाइंड करेंगे कि कोई भी टास्क है वो अपना डेडलाइन मिस कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट डेडलाइन सारे टास्क मिस कर रहे हैं कि नहीं, फिर सेकंड डेडलाइन सारे टास्क मिस कर रहे हैं कि नहीं। अगर एक भी टास्क डेडलाइन मिस करता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो आराम से डिलीवर नहीं है, बट अगर टास्क मिस नहीं करते हैं तो हम आगे चेक करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम T4 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसका एग्जीक्यूशन है 10 और इसका डेडलाइन है 20। तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि टास्क जो 4 है वो अपना फर्स्ट डेडलाइन मिस नहीं करेगा। जैसे हमने गैंट चार्ट बनाया था ना, तो उसमें डेडलाइन बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे पीरियड होते हैं। तो ये जो फर्स्ट है टेस्ट, बस ये कह रहा है कि जो जो टास्क T4 है वो अपने फर्स्ट डेडलाइन के अंदर कंप्लीट होगा, इतना बस कह रहा है। हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट में कंप्लीट हो रहा हो, फर्स्ट डेडलाइन मिस ना कर रहा हो बट सेकंड कर रहा हो। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट अभी चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमें पता चला है कि हाँ T4 डेडलाइन मिस नहीं कर रहा है, तो T4 ओके है। फिर हम T2 को चेक करेंगे। फर्स्ट वाले में तो हम डायरेक्टली देख लिए कि 10 इज लेस देन और इक्वल टू 20, बट इसके नीचे से हमें डिफरेंट तरीके से टेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 प्लस 40 बाई 30 इंटू 10 इज लेस देन और इक्वल टू 40 है कि नहीं। क्या किया है इसमें, 7 प्लस 40 डिवाइड बाई 30 इंटू 10, इस तरीके से हम चलेंगे। 7 प्लस 40 डिवाइड बाई 30 इंटू 10 इज लेस देन और इक्वल टू 40, क्योंकि हम T2 को चेक कर रहे हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही जब हम T3 को करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 प्लस 60 बाई 40 इंटू 7, ठीक, प्लस 60 बाई 30 इंटू 10, इस तरीके से T3 को चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 60 बाई 40, ये 60 बाई 40 इंटू 7 प्लस फिर से 60 बाई ऊपर वाला 30 इंटू 10। एक्चुअली ये एल्गोरिदम है, इसलिए मतलब ये एल्गोरिदम ही इस तरीके से है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं। एक्चुअली अब इसके डीप में जाना पड़ेगा कि इसको एल्गोरिदम ये बना कहाँ से, फिर हम फाइंड कर पाएंगे, बट यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से हम एल्गोरिदम का यूज कर ले रहे हैं। तो ये लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए यहाँ पे, 10 प्लस 60 बाई 40 इंटू 7, 60 बाई 30 इंटू 10, तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही यहाँ पे T1 का फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस 150 बाई 60 इंटू 10, फिर से 150 बाई 40 इंटू 7, फिर 150 बाई 30 इंटू 10, ये लेस देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। बट यहाँ पे जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 126 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि लेस देन और इक्वल टू 100 नहीं है। इसका मतलब ये है कि T1 जो है वो अपना फर्स्ट डेडलाइन मिस कर जाएगा। T4, T2, T3 फर्स्ट डेडलाइन मिस नहीं कर रहे हैं, बट T1 क्या है कि फर्स्ट डेडलाइन मिस कर जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये RM शेड्यूलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे ये भी मिस नहीं करता, फिर हम सेकेंड डेडलाइन, थर्ड डेडलाइन इस तरीके से चेक करते, या फिर हम गैंट चार्ट बना के चेक कर लेते कि कोई भी टास्क डेडलाइन मिस कर रहा है कि नहीं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इस तरीके से पता चल जाएगा। नहीं तो हम ये एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। सो ये RM शेड्यूलेबल नहीं है जो सेट ऑफ टास्क। थैंक यू फ्रेंड्स।